हेलो किड्स, आज है हिंदी की क्लास। और हिंदी की क्लास में इससे पहले हम लोगों ने कर लिया है क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग खाली। इसके बाद हमने किया च से चटाई, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली। फिर हमने किया ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न खाली। इसके बाद अगली क्लास में हमने किया था त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। ये काम हमने कर लिया है और आज हम लोग इससे आगे करेंगे। पहले पढ़ेंगे, ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम लोग कलर्स करेंगे। तो चलिए आज करते हैं प से पतंग। तो पहले प को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले प को लिखने के लिए बनाइए एक स्लीपिंग लाइन, वन कर्व और स्टैंडिंग लाइन। प फिर से लिखते हैं, साथ में लिखिए प। प से पंख, प से पतंग। तो ये हो गया प। अब हम लोग बनाएंगे पतंग, तो आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग इसको कलर्स करेंगे। तो पतंग बनाने के लिए हमें बनाना है डायमंड का शेप। ओके, इसको बीच से क्रॉस। और इसमें लगाएंगे पतंग में धागा। आप चाहिए तो इसमें कुछ डिजाइंस भी बना दीजिए। तो ये क्या हो गया, प से पतंग। प त बिंदी ग, प से पतंग। अभी हम लोग इसको कलर्स भी करेंगे। अब चलिए बनाते हैं प। प से फल। तो पहले लिखते हैं, पहले आपको इसमें प लिख लेना है और उसकी एक पूंछ निकाल देनी है। तो ये बन गया फ से फल। फिर से पहले प, फिर उसकी पूंछ निकाले, फ से फल। ओके, अब फल ड्रॉ करते हैं। तो फल ड्रॉ करने के लिए पहले हमें एक बास्केट बनाना है। ये बनाया एक कर्व, ठीक है। बास्केट में जाली बना दीजिए। ओके, अब बास्केट में फल बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं पपीता। एक मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है हाउ टू ड्रॉ फ्रूट्स, उसको आप उसमें पूरे फ्रूट्स देख सकते हैं। फिर बना देते हैं एप्पल। इधर से बना देते हैं अंगूर, ग्रेप्स। ये हो गया ग्रेप्स। अब बना देते हैं बनाना यानी कि केला। ये बन गया बनाना। यहां पर एक बना देते हैं मैंगो। फ्रूट बास्केट है। तो ये क्या है, F से फल। लिख लीजिए F
लॉ। फल, अब हम इसको कलर्स भी करेंगे। इसके बाद आएगा बॉ। बॉ से क्या होता है? बत्तख। बॉ से बस। तो पहले बॉ लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, पूरा सर्कल और बीच से उसको काट दिया। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, कट। ये हो गया आपका बॉ से बत्तख। चलिए बत्तख ही बनाते हैं। पहले बत्तख की चोंच बना दी। अब इसका और यहाँ पे कॉर्न बना दीजिए। ये क्या है? बॉ से बत्तख। लिखिए बॉ तो खो बत्तख। आज आप इसको ड्रॉ करिए और कल हम लोग इसको कलर्स करेंगे। अब क्या बनाएंगे? भौ सर्कल, फिर से सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, भौ, फिर से भौ। ये क्या है? भौ। भौ से होता है भालू, भौ से होता है भाला। तो हम बनाते हैं, चलिए भाला। भाला बनाने के लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में बीच से लाइन खींचनी और एक लंबी सी स्टैंडिंग लाइन बनाना। ये हो गया भौ से भाला। भाला, भाला। पौ फौ बौ भौ। अब लास्ट क्या बचा हमारा? मौ। तो बिल्कुल मौ भौ की तरह होता है, बस ऊपर एक सर्कल नहीं होता है। ये है मौ से मछली, मौ से मगरमच्छ। मौ, क्या लिखा हमने? मौ। तो चलिए मौ से बनाते हैं बच्चों की फेवरेट मछली। मछली में क्या बनाना है? कर्व बनाना। यहां पर एक ऐसे तरह से आईज बना दीजिए मछली की। क्या बन गया? मौ से मछली। मौ छ ल पर ई की मात्रा मछली। तो आज की क्लास में हमने किया प से पतंग, फ से फल, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मछली। आज की क्लास में लिखना है और ड्रॉ करना है। इसके बाद हम लोग कलर करना सीखेंगे। और बाकी की जो हिंदी की क्लास है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बाकी की क से लेकर के नौ तक की हिंदी की क्लास ड्रॉ करना और कलर करना, उसकी लिंक क्लिक करके बाकी की क्लास को रिवीजन